पडरौना में होटल स्काईलार्क हुआ बैठक। बड़ी खबर कुशीनगर से आपको बता दें, पडरौना में समुदाय कल्याण एवं विकास संस्थान के तत्वाधान में पडरौना के स्काईलार्क होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अमरनाथ ने बताया कि संस्था में ग्रामीण क्षेत्रों के 80 ग्राम पंचायतों में सघन रूप से मुसहर समाज व गरीब समुदाय के लोगों के मूलभूत अधिकारों सहित महिलाओं व युवाओं के विकास के लिए प्रयासरत हैं। संस्था के सचिव श्रीमती गीता कौशल ने कहा कि लड़कियों के शिक्षा के लिए 54 ग्राम पंचायतों, 132 प्राथमिक विद्यालयों, जूनियर तथा उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़कर अब तक 4,800 किशोरियों की शिक्षा को बेहतर बनाने तथा ड्रॉप आउट को कम करने का विभिन्न प्रयास क्षेत्र स्तर पर किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान संस्था के शिवदयाल प्रताप सहित तमाम लोग मौजूद रहे। एक पुस्तक में आपकी वो चीज़ें छप के आई हैं जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, क्या किया था, कैसे किया था? सर, अभी तक याचिका पे लगभग 85,000 लोगों ने सिग्नेचर किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख के आगे बनूँ और हर लड़कियों के लिए नाम के लिए बनूँ, ताकि मैं इसलिए बनूँ कि कोई भी माँ बाप ये कहे कि ये फलाना की लड़की ये पढ़ के हो गई, तुम भी पढ़ो, क्योंकि हमारे समुदाय में लड़कियों की शिक्षा बहुत कम है। सर, आप किस समुदाय से हैं? मैं हाजर समुदाय से। वो समुदाय नहीं है, ठीक है जी सर, वो इसमें कहीं कोई समुदाय नहीं आता है। लेकिन आप किस चीज़ के लिए आपने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था? सर, मैं पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए? तो क्या आपके पेरेंट्स, गार्जियन आपके वो तैयार नहीं थे पढ़ाई के लिए? नहीं सर, हम 8 पढ़ के छोड़ दिए। अच्छा, तो अभी आप कहाँ तक पढ़े हैं और आगे क्या करना है आपको? सर, अभी तो मैं इंटर फाइनल की हूँ, मुझे लॉ करना है। लॉ करके आप क्या करेंगे? सर, लॉ करके मैं वकील बनूंगी एक अच्छा खासा, और जो भी पीड़ित लोग रहेंगे उनका सहयोग करूँगी, उनके लिए कोर्ट में लड़ूंगी। आपकी संस्था ने जनपद कुशीनगर में कब से काम करना शुरू किया है? आपकी संस्था जनपद कुशीनगर में 2007 से काम कर रही है, और ख़ास करके गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के, उसमें भी उनके राइट्स को भी लेकर के काम कर रही है, महिलाओं के, लड़कियों के राइट्स को लेकर के और उनके एजुकेशन को लेकर काम कर रही है। अब तक जनपद में आपने कहाँ कहाँ काम किया है? जनपद के अभी हमने कसिया ब्लॉक में, दुधई में, पड़रौना में, बिशनपुरा में, डायरेक्ट इन जगहों पे हमने काम किया है। लेकिन जनपद में चाइल्ड लाइन का भी हमारा काम है जो पूरे ज़िले में चल रहा है, और उसमें बच्चों के जितने भी तरह की समस्याएं हैं, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, जैसे हो गए या वो बच्चा कहीं घर से भाग गया है या किसी तरह से प्रताड़ित है, उसको हम लोग सुरक्षा देने की बात करते हैं और उसको अपने घर पहुँचाने की बात करते हैं। अब तक आपने जनपद में कितने गर्भ को आपने वो दिया था, सुविधाएं आपने कितने लोगों को? देखिए, हम कितने बच्चियों सुविधाएं तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अवेयर की बात करते हैं, और 3 ब्लॉकों में डायरेक्ट हम 500 किशोरियों के साथ काम कर रहे हैं, उनका एक संगठन बना रखे हैं, और हर संगठन की हर महीने मीटिंग होती है हर पंचायत में, और उन किशोरियों के साथ हम उनके साफ सफाई, उनकी पढ़ाई की बात करते हैं, और उन किशोरियों को रेगुलर करने के लिए हम उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, और सारी किशोरियाँ, 1500 किशोरियाँ अभी रेगुलर पढ़ाई कर रही हैं। कोविड की वजह से थोड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी वो दिक्कतों को हम लोग सामना किए और उनके माँ बाप से बातचीत करके फिर उन किशोरियों को हम लोग रेगुलर कर दिए हैं, और वो किशोरियाँ स्कूल जा रही हैं पढ़ाई कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको इसमें कोई मदद मिली है? गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल मदद है, क्योंकि जो किशोरियाँ हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, वो किशोरियाँ उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं, क्योंकि वो एक गरीब घर से हैं, जो मजदूर हैं उनकी बेटियाँ हैं, तो वो सारे किशोरियाँ उन्हीं सरकारी स्कूलों में जा रही हैं जहाँ पे हम लोग उनका एडमिशन करा रहे हैं। जैसे कस्तूरबा में बहुत सारे किशोरियों का एडमिशन हुआ है, और गवर्नमेंट से हम लोग टीचर के साथ मीटिंग्स भी करते रहते हैं और उनसे सहयोग लेते रहते हैं, अगर किसी माँ बाप को समझाना है तो टीचर्स का सहयोग।